हाय गाइस, अगर आप इस टाइम पर अपने लिए 10,000 के बजट में एक जबरदस्त स्मार्टफोन देख रहे हो जिसमें आपको प्राइस के हिसाब से तगड़े वाले स्पेक्स मिल जाएं, जैसे कि 7000 mAh की बड़ी बैटरी, 90 हर्ट्ज़ का स्मूथ रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन का पावरफुल प्रोसेसर और अच्छा कैमरा, तो गाइस मैंने आप लोगों के लिए काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद 10,000 के प्राइस वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है। एंड ये सभी फोन स्पेक्स के हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है एंड इनमें आपको एक सुप्रीम लेवल की परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी। तो चलिए भाई, बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। टोटल 5 स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको बेस्ट कैमरा, बेस्ट गेमिंग या फिर एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए या फिर आपको एक इंडियन स्मार्टफोन चाहिए, तो इन सभी स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूंगा। तो भाई अब बात करते हैं स्मार्टफोन की, और पांचवें नंबर पर आता है Realme Narzo 30A। ये Realme का सबसे सस्ता गेमिंग फोन है और Realme का ध्यान अभी के टाइम पर गेमिंग फोन्स को लॉन्च करने पर है। अब हम बात कर रहे हैं Realme Narzo 30A की, तो ये फोन दो चीजों के लिए जाना जाता है, बैटरी एंड प्रोसेसर। बैटरी के लिए इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें आपको 6000 mAh की छोटा बैटरा मिल जाता है और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इसके डिब्बे में आपको 18 वोल्ट का चार्जर मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से बैटरी डिपार्टमेंट बिल्कुल ओके है। सो गाइस, अब बात करते हैं इसकी दूसरी ताकत के बारे में, यानी कि इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा है। इसमें MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर है। बात यह है कि परफॉर्मेंस कैसी है, तो इस फोन से आप मीडियम सेटिंग्स में BGMI जैसे गेम को इजीली खेल पाएंगे और डेली यूजेज या फिर मल्टीटास्किंग में यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट यार, हीटिंग इशू इसमें आपको फेस करना पड़ेगा, वो भी तब जब आप इससे कंटिन्यू 2-3 घंटे तक गेमिंग करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर बता दिया है, कोई भी पॉइंट मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगा। और इसके कैमरे के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि बैक में आपको 13 मेगापिक्सल के साथ डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। तो कैमरा इसका कभी कभार 1-2 फोटोज क्लिक करने के लिए ओके है। इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस मिलेगा एंड सिक्योरिटी के लिए आपको पीछे की तरफ उंगली लगानी पड़ेगी, यानी कि रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर यहां पर आपको मिल जाता है। तो गाइस, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के थोपड़े के बारे में। सो गाइस, यहां पर आपको 6.5 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है। जी हां, HD+ वाली डिस्प्ले है जिसमें 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट एंड 120 हर्ट्ज़ का टच सैंपलिंग रेट दिया हुआ है। भाई डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट मिल जाता है और प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले ओके है, स्मूथनेस भी आपको बिल्कुल ठीक ठाक ही मिल जाएगी। इसके 4/64 के लिए आपको 10,499 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो भाई मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनको एक ड्यूरेबल स्मार्टफोन चाहिए अच्छी ब्रांड की तरफ से, और आप कैमरे के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो भाई परफॉर्मेंस इसमें आपको अच्छी मिल जाती है और डेली यूजेज में भी ये बेस्ट है। और अगर आपको कोई स्मार्टफोन अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करना है तब भी आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। सो गाइस, अब बढ़ते हैं वीडियो में थोड़ा सा आगे और बात करते हैं चौथे नंबर के स्मार्टफोन की, और चौथे नंबर पर आता है Infinix Hot 10s। भाई Infinix एक के बाद एक काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है और इस साल Infinix ने काफी अच्छा वर्क किया है। इस स्मार्टफोन में सिक्योरिटी के लिए आपको रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक दोनों चीजें मिल जाती हैं जो काफी अच्छी तरीके से वर्क करती हैं। ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस भी यहां पर आपको दिया हुआ है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के मेन स्पेक्स की, तो इसमें आपको 6.8 इंच के HD+ वाली डिस्प्ले मिलेगी। भाई HD+ डिस्प्ले है पर यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी इसकी डिस्प्ले में दिया हुआ है। तो भाई प्राइस के हिसाब से ओवरऑल स्पेक्स डिस्प्ले के काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे डिस्प्ले कलर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एंड स्मूथनेस भी काफी ठीक है। 6000 mAh की बैटरी मिलेगी जिसको चार्ज करने के लिए 10 वोल्ट का चार्जर इसके डिब्बे में मिल जाएगा। भाई बैटरी एंड चार्जिंग का कॉम्बिनेशन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कम से कम 18 वोल्ट का चार्जर होना चाहिए था। इसके बैक में आपको 48 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा। बाकी दो कैमरे 2 मेगापिक्सल और AI लेंस है जिनका कोई भी वर्क नहीं है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है जो काफी ठीक ठाक परफॉर्म करता है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है एंड इसके बैक कैमरे से आप 2K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। बट कैमरे के लिए इस स्मार्टफोन को मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर मिलेगा जो गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। डे टू डे यूजेज में यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली एंड मल्टीटास्किंग भी इससे आप काफी अच्छे से कर पाएंगे। बात करें इसके रैम स्टोरेज की, तो इसके 4/64 के लिए आपको 9,999 रुपए देने पड़ेंगे और 6/128 के लिए 10,999 रुपए। तो बात आती है कि ये फोन किन लोगों को लेना चाहिए। वैसे तो इससे बेटर ऑप्शन आपको 10,000 के प्राइस पॉइंट में और भी स्मार्टफोन मिल जाते हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, दूसरे तीसरे और पहले नंबर के स्मार्टफोन के बारे में, वो स्मार्टफोन इससे बेटर है। बट ये स्मार्टफोन भी आप लोगों के लिए 10,000 के प्राइस में एक ऑप्शन है, इसको भी आप परचेज कर सकते हो। तो भाई अब बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ, और तीसरे नंबर का स्मार्टफोन एक इंडियन स्मार्टफोन है जिसका नाम है माइक्रोमैक्स In1। भाई ये मेरा सबसे पसंदीदा स्मार्टफोन है, इसमें आपको बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा, ब्लोटवेयर एप्स बिल्कुल भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी और 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट भी इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के मेन स्पेक्स के बारे में, स्टार्ट करेंगे डिस्प्ले से। 6.67 इंच की फुल HD+ वाली डिस्प्ले है जो पंच होल डिजाइन के साथ आती है।
डिस्प्ले कलर्स काफ़ी अच्छे हैं एंड देखने में भी काफ़ी प्रीमियम फील लगती है। इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा एंड फेस अनलॉक दोनों चीज़ें दी हुई हैं। भाई डिस्प्ले डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त है एंड सिक्योरिटी में भी ये स्कैनर अच्छे से वर्क करते हैं। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो भाई यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी लगी है जिसको चार्ज करने के लिए 18 वोल्ट का चार्जर इसके डिब्बे में माइक्रोमैक्स ने दिया है। तो भाई बैटरी एंड चार्जिंग का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा की, तो इसके बैक में आपको 48 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है जो पंच होल डिज़ाइन के साथ आता है। कैमरा ओके है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, काफ़ी अच्छी डिटेल्स इसके कैमरे में आपको मिल जाएंगी। इसके 4/64 के लिए आपको 10,499 रुपये देने पड़ेंगे और 6/128 के लिए 11,999 रुपये। बट अगर आप इसी स्मार्टफोन को ऑनलाइन परचेज करते हो तो 6/128 वाला वेरिएंट आपको लगभग 11,000 की कीमत में मिल जाएगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी डील रहेगी। और नो डाउट ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनको एक इंडियन स्मार्टफोन परचेज करना है, तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए 10,000 के प्राइस में एक लौता ऑप्शन है, इसको आप परचेज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ और दूसरे नंबर पर आता है पोको M3। एक लौता ऐसा स्मार्टफोन है हमारी इस लिस्ट में जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर मिलेगा जो परफॉर्मेंस आपको एक काफ़ी अच्छे लेवल की देगा। इससे आप हाई सेटिंग्स में भी गेमिंग इजीली कर पाएंगे। डे टू डे यूजेज में यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी लैग इशू आपको इसमें फेस नहीं करना पड़ेगा। सिक्योरिटी के लिए आपको साइड माउंटेड मिल जाता है एंड फेस अनलॉक दोनों चीज़ें दी हुई हैं। बात करें इसकी डिस्प्ले की, 6.53 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले है जिसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी हुई है। तो भाई डिस्प्ले वाइज भी यह स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है एंड गेमिंग के लिए भी यह डिस्प्ले काफ़ी बेस्ट है। इसमें आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। बात करें इसकी बैटरी की, तो 6000 mAh की बैटरी मिलेगी जिसको चार्ज करने के लिए 18 वोल्ट का चार्जर इसके डिब्बे में आपको मिल जाएगा, बट यह स्मार्टफोन 22.5 वोल्ट को सपोर्ट करता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं इसी स्मार्टफोन के कैमरा की तरफ, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल के साथ बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। तो भाई अगर आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए, यानी कि एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, तब आप लोग पोको M3 Pro की तरफ जा सकते हो। इसके 4/64 के लिए आपको 10,999 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले नंबर के स्मार्टफोन की, और पहले नंबर पर आता है टेक्नो पोवा 2। अगर आपको बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तब आप लोग इसी स्मार्टफोन को आँख बंद करके परचेज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको 7000 mAh का बड़ा बैटरा मिल जाता है जिसको चार्ज करने के लिए 18 वोल्ट का चार्जर इसके डिब्बे में आपको मिल जाएगा। बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.9 इंच की FHD प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है जिसमें 60 हर्ट का नॉर्मल रिफ्रेश रेट एंड 180 हर्ट का टच सैम्पलिंग रेट दिया हुआ है। भाई डिस्प्ले कलर्स काफ़ी अच्छे हैं एंड काफ़ी बड़ी डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाती है। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर दिया हुआ है जो डे टू डे यूजेज में काफ़ी बेस्ट रहता है एंड गेमिंग भी इससे आप काफ़ी अच्छी कर पाएंगे। बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा की, तो इसी स्मार्टफोन के बैक में आपको 48+2+2+ AI लेंस के साथ बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। तो कैमरा डिसेंट परफॉर्म करता है, ज्यादा अपर लेवल का नहीं बताऊंगा, बट यार प्राइस एंड स्पेक्स को देखते हुए इसका कैमरा काफी ओके परफॉर्म करता है। अब बात करें इसके रैम स्टोरेज की, तो इसके 4/64 के लिए आपको 10,999 रुपए देने पड़ेंगे और 6/128 के लिए 12,999 रुपए। तो इस स्मार्टफोन को लेने का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको एक बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तब आप लोग इसी स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। तो भाई ये थे मेरे हिसाब से 10,000 वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन। अब आप लोगों के हिसाब से लिस्ट कैसी होनी चाहिए आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब बात आती है कि अगर मुझे इन पांचों में से कोई एक स्मार्टफोन चूज करना होता मैं किसी स्मार्टफोन की तरफ जाता, तो गाइस ऑनेस्टली मैं परचेज करता माइक्रोमैक्स इन 1 को, क्योंकि वो एक इंडियन स्मार्टफोन है एंड दूसरी बात उसमें स्पेक्स भी आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। अब आप किसी स्मार्टफोन को परचेज करोगे तो यार आप हमें कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा गुड बाय।